इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी, जिसके अंदर ये ही ओल्ड हाउस, और इस ओल्ड हाउस के अंदर ये ही एक टॉप सीक्रेट वार्डरोब, और इस वार्डरोब के अंदर लगा हुआ एक टॉप सीक्रेट बटन। अगर गलती से भी इसको प्रेस कर दिया तो फिर वेट, ये कैसे हो सकता है? ओके गाइस, सो गेम को हमने कर लिया यहाँ पर स्टार्ट, एंड आपने स्टार्टिंग में देख लिया तो गाइस इसके ओल्ड हाउस के अंदर एक कोई सी वार्डरोब हमें मिली है। उस वार्डरोब के अंदर एक छोटा सा बटन जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया, लेकिन आज फिर उसका क्या ऑप्शन है? वेल, उससे पहले जाने से पहले थोड़ा सा नहा लेते। वेल, अभी तो ठंडी भी चली गई तो अभी मस्त नहा लेते। चलो नहा लिया, स्विमिंग पूल के अंदर एक डुबकी मार ली, एंड अभी हम जाने वाले अपनी स्कॉर्पियो S11 से अपने ओल्ड हाउस के अंदर। एंड गाइस, वो जो एक सीक्रेट सा बटन था वो बिल्कुल एपी के लाइक ऐसा माना जाता है कि अगर उसको हमने प्रेस कर दिया तो फिर कुछ अजीब और गरीब चीज हो सकती है जो कि बिल्कुल खतरनाक होगी। वेल, वो तो अभी जाकर अपने को पता चलने वाला है। एंड स्कॉर्पियो S11 से अभी हम जा रहे हैं। एंड वेट गाइस, स्कॉर्पियो S11 भाई यार ये पता नहीं क्यों टक्कर वक्कर लग जाती है। अच्छे से चलाने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन देखो फिर से टक्कर लग गई। एंड वेल गाइस, अभी हम चलते हैं। एंड अभी भाई ये क्या हो रहा है? एंड वेट गाइस, आपने एक चीज नोटिस करी? स्कॉर्पियो S11 के आगे देखो बिल्कुल भी टेंट डैमेज कुछ भी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मतलब कि थोड़ी बहुत अगर दूसरी गाड़ी होती तो उसके गेट वेट निकल जाते, लेकिन स्कॉर्पियो S11 की बिल्ड क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कर दी क्या? वेल गाइस, अभी घर के अंदर तो हम आ चुके। एंड क्या यहाँ पर वो वार्डरोब होने वाली? लेट्स सी। वेट, कहाँ पर है भाई वार्डरोब? ये तो बिल्कुल सी पिद्दी सी नॉर्मल सी वार्डरोब है, इसमें कौन सा कोई बटन वटन नहीं है भाई। स्कैम चल रहा है क्या भाई? एक सेकंड, ये क्या चल रहा है भाई? वेट, किल 5 डाइनो। अच्छा गाइस, तो अभी मेरे को समझ में आ चुका है अपना ना, इसमें अपने को कुछ चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन अपने यहाँ पर एक वार्डरोब अनलॉक होगी और उसके अंदर होगा वो वाला बटन। वेल गाइस, इस घर में कुछ चेंजेस है क्या? मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर वो वार्डरोब मतलब नॉर्मल सी है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा तो वो डिफरेंट थी, लेकिन कुछ चेंजेस मेरे को देखने को मिल नहीं रहा। वेल गाइस, अभी चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। पहले अपने को जाना पड़ेगा जुरासिक पार्क के अंदर, देन हम जा सकेंगे उन डायनासोर्स को किल करने के लिए। एंड 5 डायनासोर को मारना, वेल ये कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, इजी पीजी हम कर ही देंगे आई होप। एंड गाइस, अभी तक आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत कम परसेंट लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, इस पर 2000 लाइक का है, प्लीज़ करवा देना। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेल गाइस, अभी स्कॉर्पियो S11 से हम जा रहे हैं यहाँ पर। एंड गाइस, ये स्कॉर्पियो S11 की मतलब ठीक ठाक सी गाड़ी है, लेकिन गाइस इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है, मतलब कि इतनी कुछ खास सही से चलती नहीं है, मतलब थोड़ी सी अगर जोर में ये भाई बाहर ही फेंक दिया भाई, भाई मर गया मैं। अबे शिट यार, अभी इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। शिट, ओके गाइस, अभी फिर से रिस्टार्ट हमने कर लिया। एंड अभी हम इस जुरासिक पार्क के अंदर एंटर हो चुके। एंड गाइस, अभी देखने वाले आखिर कहां पर है डायनासोर्स। टोटल अपने को 5 डायनासोर को मारना है, यानी उसके बाद हम वो वाली वार्डरोब को अनलॉक कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सी जगह है जहां पर ये छुप कर बैठे? एक यहाँ पर मेरे को, ओके एक सामने दिख चुका है, ये देखिए डायनासोर। अभी नहीं टकराना नहीं भाई, ऐसी पैनिक सिचुएशन भाई, गेट उखल कर पता नहीं कहाँ पर गिर चुका है इसका। वेल गाइस, अभी इसको हम भाई छोटा पिद्दी सा डायनासोर, इतनी ज़्यादा ताकत है भाई इसके अंदर। भाई मेरे को लगा एक टक्कर में उड़ जाएगा, लेकिन उसने गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। वेल अपने जस्ट पीछे चल रहा है यार, शीट ऐसे जस्ट पीछे चले गए थे हम, इस पर इसको मारेंगे कैसे? रुको गाइस, अभी ना मेरे को इसको थोड़ा सा चकमा देना पड़ेगा ताकि हम थोड़ी सी इससे डिस्टेंस बना पाए। एंड अभी आई थिंक वो रुक चुका है, अगर रुक चुका, अबे नहीं यार अभी भी पीछे चल रहा है वो, तो उससे पहले अपने को पीछा छुड़वाना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा आगे, ओके पीछा छोड़ दिया उसने, अब भी हम मार सकते हैं उसको। तो लेट्स गो गाइस, अभी गन को निकालते हैं, अभी इसका काम खत्म करते हैं। 5 डायनासोर को मारना है, जिसमें से पहला शिकार अपना ये होने वाला है। एंड लो भाई खत्म आखिरकार। तो लेट्स गो गाइस, एक बंदे को, एक डायनासोर को हमने मारा है, टोटल 4 डायनासोर्स को और अपने को मारना है। चलो भाई ये भी जल्दी ही हम कर लेंगे। तो लेट्स गो गाइस, अभी ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा डायनासोर है भाई। एंड गाइस, ये डायनासोर के अंदर मतलब ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, हम अंदर होकर निकल सकते हैं इनके, भाई पता नहीं अलग ही प्राणी है। तो ओके गाइस, अभी 4 और को मेरे को, अब ये गाड़ी मेरे को लग रहा है हम मतलब ये साथ भी दे पाएगी या फिर नहीं, अंत तक मतलब पूरी बीच में टूट फूट नहीं जाए।
चलो गाइस यहां ओके 1 करोड़ आ चुका है यहां पर एंड अभी अपने से अरे यार इसको पता चल चुका, मेरे को लगा इसको पता नहीं चलेगा डायरेक्ट यहीं से हम उसको खत्म कर देंगे, लेकिन गाइस ये कुछ ज्यादा ही शातिर है भाई, इनको पहले से पता चल जाता है कोई अपने ऊपर अटैक कर रहा है। अबे भाग भाई, कितना ज्यादा पास में आ चुका है भाई, शिट। ओके एक और सामने तीन, ओके तो 2 और मार दिया तो 3 टोटल हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा मैं एक पास में लेकर आता हूं, इन दोनों को एक साथ में किल कर देंगे भाई, टेंशन वाली बातचीत नहीं है। एंड नहीं यार शिट, मेरे को लगता है इन दोनों को मैं एक साथ किल कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक तो अकेला वहीं पर रुक चुका है, तो चलो पहले इस अकेले को लपेटते हैं, देन उस अकेले को लपेटेंगे। चलो भाई आ जा बेटा इस साइड आ, तू तेरे को अभी पेलते हैं, अकेले में जाकर मारेंगे इसको। एंड इन छोटे ओके रुक चुका है क्या वो, इन छोटे पिद्दियों को मारेंगे तो वो भी काउंट होगा कि ये मेरे को देखना है, अगर ये भी काउंट अबे ओके चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से रुक चुकी है और वो भी रुक चुका है। लेट्स गो, निकालते गन AKM एंड यहाँ पर इसको पहलना शुरू करते हैं। लेट्स गो बेटा, तेरी फुर्सत में निकल, पता नहीं तेने किस से पंगा ले लिया। एंड भाई मर जा भाई, ओके मर गया, मेरी धड़कनें तेज हो गई थी भाई। वो किल्स हमने कर दिया ना, 2 या फिर 3 किए भाई, मेरे को एग्जैक्ट याद, ये दूसरा सेकंड किल आई थिंक, ये वो कितना ज्यादा खतरनाक है भाई देख सकते हो यहाँ पर। एंड सामने से एक और वो वाला भी आ रहा है देख सकते हो गाइस, यहाँ पर अभी इसको पूरा खत्म तो हमने कर। अभी वेट एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया, ओए मर जा भाई, शिट शिट भाई, क्या चकमा देख रहा है भाई ये तो भाई, लिटरली इसका मेरे को पता नहीं था, मैं इसको मस्त मारने में इसको मरने के बाद भी इसको मारा था और अचानक से वो आ गया भाई, जस्ट सही टाइम से मैंने उसको मार दिया, नहीं तो वो खत्म कर देता भाई। बड़े ही खतरनाक डायनासोर भाई, मैं इनको हल्के में ले रहा था, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है भाई, मेरे को संभल कर इनको मारना पड़ेगा भाई, लिटरली बस थोड़ा सा अगर पास में आ जाता एक बाइट में खत्म कर देता अपने को, ज़्यादा उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को इतनी ज़्यादा गोलियाँ चलानी पड़ती, वो बस एक मुँह मारता और अपना काम खत्म। लेकिन आखिरकार हमने मार दिया एंड एक और मिल चुका अपने को शिकार, अभी इसको भी खत्म कर देते, लेट्स गो, अभी आरपीजी से मारा जाए इसको, लेट्स गो। एंड टोटल कितनी गोलियों मरेगा गाइस देखते हैं, यहाँ पर एक गोली लगा दी, दूसरी भी परफेक्ट उसके जाकर लगी, तीसरी में आई थिंक तो मर जाएगा, यस आरपीजी की टोटल 3 गोलियों मर जाता है, तो टोटल 4 किल हमने कर दिए, यहाँ पर एक लास्ट टोर को मारना है देन अपना काम हो जाएगा डन। 4 ही हुए ना, आई थिंक 4 ही हुए शायद, तो दूर है भाई वो भी, तो चलो इसको तो AKM से मारना पड़ेगा। बेटा इधर आ, ओके गाइस ये जस्ट आ रहा था आपको, तो ये इसको मैं मारूं उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो ये वाला इमोजी एंड सब्सक्राइब भी कर देना। चलो इसको मारने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, 1 गोली 2 गोली एंड लास्ट डोज और खत्म, आखिरकार गाइस 4-5 को हमने ढेर कर दिया यहाँ पर। एंड अपना अभी मिशन आई थिंक अनलॉक हो चुका होगा शायद, लेट्स सी गाइस यहाँ पर अनलॉक हुआ है या फिर नहीं। चलो अपनी स्कॉर्पियो S11 को लेकर चलते, 5 बंदों को हमने किल कर दिया एंड वेट। ओके गाइस तो यहाँ पर घर के यहाँ पर हम आ चुके एंड अभी देखते यहाँ पर क्या हो, वेट ए सेकंड भाई, भाई ये क्या इसके में भाई, अभी भी ये तो कुछ भी चेंजेस तो नहीं हुआ भाई, सेम टू सेम ये ड्राइव बाइक ऑन ट्रेन, अब भाई यार ये गलत स्कैम चीज है भाई, ये हर बार कुछ ना कुछ चैलेंज दे देते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अपने से जबरदस्ती काम करवा रहे भाई, इसको फोड़ दूंगा सभी को ले भाई, अबे फूटता भी नहीं है भाई। स्टार्टिंग में जो था ना वो डिफरेंट थी वार्डरोब, अभी ये नॉर्मल वार्डरोब है, तो वो वाली वार्डरोब तब भी आएगी यहाँ पर जब हम ये वाला भी चैलेंज करेंगे। आई होप ये लास्ट चैलेंज हो भाई, अपने को गाड़ी चलानी ये वाली ट्रेन के ऊपर, ये चला लेंगे। ओके गाइस तो अपने को गाड़ी ना कुछ इस टाइप से चलानी पड़ती है, ये देखो मस्त ड्रिफ्ट लगा सकते इससे, देख लो कितने ज़्यादा खतरनाक है, मतलब पूरी इस साइड से उस साइड फिसल सकती है ईजी पीजी तरीके से। एंड वेट, मैं इस गाड़ी को ऊपर कैसे ले जाऊंगा भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, खैर अपने पास उसका भी एक जुगाड़ है, इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, इसी कोई भी बातचीत नहीं है। वेल अभी इसको बाहर निकलते हैं एंड इसको ऊपर ले जाता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर ऊपर यार ट्रेन भी शुरू हो चुकी, गाड़ी को ऊपर जंप लगाना प्लीज, चले जाओ। ओके आ चुकी है परफेक्ट लैंडिंग एंड अभी मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं कि इन्होंने कितने टाइम तक चला भाई, कूद रही है देखो भाई, गाड़ी जंप लगा रही पूरी डिचुक एंड चलो भाई, तो मेरे को पता नहीं इसको कितने टाइम तक रखना है, तो जितना टाइम से मैं ट्राई मतलब जितना मैं कर सकूँ मैं इसको बेस्ट करने की ट्राई करूँगा एंड आई होप मैं ज़्यादा टाइम तक रख पाऊँ। नहीं अबे बैलेंस बिगड़ी, अबे यार भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कम टाइम तक हुई, आई थिंक 10 सेकंड ही हुए होंगे, नहीं आई थिंक इससे तो ज़्यादा ही हुआ होगा, अबे गिर चुका। खैर कोई बात नहीं, उसने तो मिशन तो यही था कि गाड़ी को ऊपर चलाना है ट्रेन के ऊपर, तो जो काम हमने ऑलरेडी डन कर दिया, अभी ऐसा कुछ नहीं था कि इतने टाइम तक। ओके गाइस अभी आ चुके एंड देखते हैं यहाँ पर क्या ये अनलॉक, यस गाइस
फाइनली अनलॉक हो चुका है। लेट्स सी, ओके गाइस ये है बटन। तो गाइस अभी जस्ट इसको मैं प्रेस करने वाला हूँ। भाई क्या होने वाला है गाइस, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो, ये वाला इमोजी आप टाइप कर दें, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अभी मैं जस्ट 3 2 1 लेट्स गो गाइस। वेट ये कहाँ पर गिर रहा हूँ मैं, अबे ये कौन सी जगह पर गिर रहा हूँ। वेट मैंने कोई सी बिल्डिंग पर गिर चुका हूँ, लेकिन वहां से यहाँ पर कैसे आया मैं। वेट सेकंड भाई, कुछ डेंजर होना था। अबे ये ओल्ड है भाई, ये ओल्ड वर्ल्ड में आ चुके हैं, पर ऐसा ओल्ड वर्ल्ड में ये कुछ समझ नहीं आया भाई मेरे को। ओके वेट ए मिनट गाइस, यहाँ से पहले नीचे चलता हूँ मैं। एंड मर वर मत जाना भाई प्लीज। ओके बच चुका हूँ। वैसे गाइस वो बटन प्रेस करने से हम पूरा ओल्ड वर्ल्ड में आ चुके। ये पूरा ओल्ड वर्ल्ड है जहाँ पर कि मतलब पूरा इस टाइप से रहता था। आप देखो पूरा ओल्ड सिटी। एंड ये घर तो काफी ज्यादा बड़ा है भाई, ये देख सकते हो यहाँ पर। ऑलरेडी आपको पता होगा इस टाइप का, यहाँ पर बाथरूम किचन मतलब सब कुछ इस घर के अंदर। एंड भाई ट्रिपल फ्लोर इस घर में, मतलब कितना ज्यादा खतरनाक घर है आप देख ही सकते हो यहाँ पर। एंड और क्या है यहाँ पर, चलो इस घर के ऊपर चलकर भी मैं आपको दिखाता हूँ। वेल गाइस इसमें तो कोई बड़ी बातचीत नहीं गाइस, मेरे को लगा कुछ ऐसा होगा जहाँ पर हम कहीं पर किडनैप विडनैप हो जाए और निकल नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई। यहाँ पर इसमें कोई सी डिफरेंट चीज तो नहीं है। ओके गाइस तो यहाँ पर ना मेरे को कुछ आवाज आ रही थी इस ब्रिज की इस साइड से, तो ऐसा क्या हो सकता है जो कि यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है। ओबे एक सेकंड गाइस, ये तो पॉपी प्ले टाइम वाला है भाई। ये देखो भाई इसने अटैक कर दिया, अभी हम इस वर्ल्ड से बाहर कैसे जाएंगे भाई। अब भाई ये क्या हो रहा है, शिट